हेलो बच्चे लो, गुड मॉर्निंग। सो मैं आज आपको बताने वाला हूँ सी प्रोग्रामिंग के बारे में। ओके, तो अभी एक्चुअली मैं पूरा ही अभी वीडियोस अपलोड करने वाला हूँ सब प्रोग्राम्स रिलेटेड, जो भी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल के प्रोग्राम्स हैं उस रिलेटेड। मैं सी प्रोग्राम में जो होता है बेसिकली आपको इम्पोर्टेंट, वो मैं इधर बताने वाला हूँ। ओके, तो उसके लिए मैं आपको पहले तो बोलूँगा कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि उन बच्चों को और फ्रेंड्स को आपके वीडियो मिले और वो उनको कुछ भी क्वेश्चंस का ही चाहिए तो आंसर मिल सकता है। ठीक है, तो चले हम आज सी प्रोग्रामिंग का एक प्रोग्राम, मैंने पहले एक बहुत टाइम पहले डाला हुआ था, तो आज मैं ये दूसरा प्रोग्राम डाल रहा हूँ। ओके, तो देखते हैं ये वाला स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, सेव एज करेंगे। ओके, सेव करेंगे फाइल को। तो अभी एड डॉट सी करेंगे इसका नाम, बिकॉज हमको एडिशन करना है। ओके, तो मैं अभी क्या करूँगा, यहाँ पे हैश इंक्लूड से शुरुआत करूँगा सबसे पहले। ओके, क्योंकि मुझे हेडर फाइल इंक्लूड करना रहता है। ओके, एक्चुअली मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि वीडियो डाल रहा हूँ, बट इसके बेसिक जो है किसको कैसा सिंटैक्स फॉलो होता है सी प्रोग्रामिंग में, वो भी बताऊँगा, एक वीडियो डालूँगा ये 2-3 वीडियो होने के बाद। ओके, इसके लिए आप ये देखिए, बाद में अगर आपको परफेक्ट सीखना है एकदम अच्छे से, तो आपको फिर सब्सक्राइब करके, अगर रखे होंगे आप में तो नोटिफिकेशन बेल आइकन आप प्रेस करके रखना, तो वीडियो मेरा आने वाला है 4-5 दिन के बाद या 10 दिन के बाद मैं डालूँगा, जैसा मुझको टाइम कम्फर्ट हो, तो फिर आपको समझेगा कि क्या है क्या नहीं, कैसे लेते हैं, क्या डिक्लेयर करते वगैरह। तो अभी तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, पहला हेडर फाइल डिक्लेयर किया मैंने। ओके, stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल बोलते हैं इसको। ओके, फिर ये void main, फिर मैंने इसको ओपन किया, क्लोज किया, ये मेरा क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो करली ब्रेसेस होता है इसको कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं हम लोग कंप्यूटर लैंग्वेज में। ओके, तो अभी जाहिर सी बात है मैं क्या करूँगा, इंटीजर डिक्लेयर करूँगा। इंटीजर इंट क्यों डिक्लेयर किया है मैंने, क्योंकि मेरे को नंबर वाले वेरिएबल्स लेने हैं यहाँ पे, मतलब नंबर वगैरह से काम करना है। अगर मेरे को पॉइंट से काम करना है, जैसे 22.3 वगैरह ऐसा डेसिमल्स में काम करना होता, तो मैं यहाँ पे FLOAT फ्लोट लेता। ओके, बट यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, इंट ले रहा हूँ, और ये जो भी डेटा टाइप्स वगैरह है ना, वो व्हाइट कलर में दिखेंगे आपको ये टर्बो सी में। ओके, तो अभी जाहिर सी बात है मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई ले लेता हूँ जैसा मैक्स में हम लोग करते हैं, और फिर सम एक लेता हूँ, क्योंकि सम क्या है वो उसमें रिजल्ट में स्टोर होगा ये। ओके, सम नहीं तो भी आप रिजल्ट ही डाल देता हूँ मैं। ओके, रिजल्ट अभी ऐड का प्रोग्राम है तो रिजल्ट ले लेता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे अभी बेसिकली क्या है, मैं क्या करूँगा, फिर यूज़र को एक मैसेज फोकस करने के लिए लगाऊंगा, मतलब पॉपअप कराने के लिए, कि भाई एंटर करो नंबर को करके, एंटर द 2 नंबर्स, ताकि यूज़र को समझे कि वो कौन सा नंबर डालना है, कितना नंबर डालना है। तो यहाँ पे अभी क्या कर रहा हूँ मैं, स्लैशन ये। ओके, एंटर 2 नंबर्स, तो डाल दिए नंबर्स। ओके, तो फिर मैं अभी क्या करूँगा, इसको क्लोज करूँगा। ओके, डबल क्लोज में किया, फिर अभी क्या करूँगा, यूज़र से लेना है इसके लिए स्कैन एफ करूँगा मैं, स्कैन एफ, और कैरेक्टर कन्वर्जन लूँगा %D, क्योंकि इंटीजर वाला है इसके लिए %D, अगर फ्लोट होता तो %F लेता, अगर कैरेक्टर होता तो %C या %S लेता मैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कर दिया मैंने। फिर अभी क्या करूँगा, एड्रेस ऑफ ऑपरेटर एंड % लूँगा, जो कि मैप करेगा आपको, आप जो यूज़र कंसोल, जो इनपुट कंसोल पे डालोगे वो उसमें पास करने के लिए। तो अभी वैसे बेसिकली आपको बहुत डिफिकल्ट जाएगा जो मैं बोल रहा हूँ। ओके, बट जैसे ही मेरा वो वाला वीडियो देखेगा समझेगा, फिर भी ये बेसिक सिंटैक्स आप समझ के लो कैसे करना है क्या है। फिर अभी प्रिंट एफ ये कर रहा हूँ मैं, इसमें क्या करूँगा, अभी जाहिर सी बात है यहाँ पे अभी प्रिंट एफ अगर कर दिया मैंने, जैसे कि आउटपुट इज, पर ये एडिशन किधर हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो वो स्टेप हम लोग स्किप कर दिए। तो इधर अभी क्या करेंगे, अभी रिजल्ट, ओके, रिजल्ट लिया मैंने। अभी जैसे रिजल्ट में मैं एडिशन कर रहा हूँ, सब्सट्रैक्शन कर रहा हूँ, चाहिए तो 2-3 इसमें कर दूंगा, इसलिए मैंने रिजल्ट ले लिया। सम का होता तो सम लेता मैं सिर्फ, बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, आपके ऊपर, आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो आपके हिसाब से। सिर्फ ये जो व्हाइट का ग्रीन कलर में आप कुछ भी ले सकते हो, जैसा बोला तो इसको वेरिएबल्स बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना, ये जो ग्रीन कलर में वेरिएबल जैसा है, पर ये व्हाइट कलर जो दिखता है ये तो सिस्टम डिफाइंड ही रहता है, ये ऐसे ही लेना पड़ता है आपको, और ये प्रिंट एफ और स्कैन एफ भी ऐसे ही लेना पड़ता है, जो कि इसके अंदर होता है आपके हेडर फाइल में। ठीक है, तो अभी कैसा है, रिजल्ट है, रिजल्ट आपको क्या चाहिए, A+B चाहिए, हाँ A+B। ओके, तो A+B हो गया, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे A+B हो गया, तो अभी क्या कर रहा हूँ, द एडिशन ऑफ 2 नंबर्स,
एडिशन ऑफ टू नंबर्स इज करके मैं क्या करूँगा, स्लैशन करके बंद करके, फिर जाहिर सी बात है ये मेरे को लेना पड़ेगा इधर, कॉल तो करना पड़ेगा वेरिएबल क्योंकि इसमें आउटपुट छपा हुआ है, तो ये मैं करूँगा। फिर अभी क्या करूँगा मैं, क्लोज कर दूंगा इसको, ठीक है। फिर एक फंक्शन लूँगा मैं इधर क्लियर करने के लिए स्क्रीन, क्योंकि क्या होता है कि कभी कभी हम लोगों ने काम पहले से ही किया होता है कुछ इसमें, तो वो स्क्रीन पे वैसे ही रहता है ब्लैक कलर का स्क्रीन पे, तो उसको क्लियर करना चाहिए हमने। तो उसके लिए मैंने कोनियो हेडर फाइल लिया, क्योंकि मुझे एक फंक्शन लेना था क्लियर स्क्रीन वाला, ओके। तो इससे क्या होगा, ये फंक्शन जो होता है वो आपको कोनियो से ही मिलेगा, इसको बोलते हैं कंसोल इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, ठीक है ना। तो ये आपको रहेगा बेसिकली, ठीक है। तो ये हुआ अभी, तो मैं पहला तो क्लियर स्क्रीन किया, मेन फंक्शन स्टार्ट किया, फिर दो वेरिएबल्स डिक्लेयर किए, फिर तीसरा किया जिसमें वेरिएबल का आउटपुट स्टोर करना है, फिर प्रिंट मैसेज प्रिंट आउट करवाया सामने यूज़र को ताकि वह एंटर करे दो नंबर, यहाँ पे दो नंबर लिया हम लोगों ने एंड परसेंट के साथ भी, फिर रिजल्ट लिया, रिजल्ट में ए प्लस बी को रिजल्ट स्टोर किया एडिशन का, फिर एडिशन ऑफ टू नंबर इज रिजल्ट। अभी देखते हैं आउटपुट आ रहा है क्या इसका। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कंपाइल या फिर ऑल्ट F9, देखो यहाँ पे दिया है कंपाइल ऑल्ट F9, तो आप कीबोर्ड से ऑल्ट F9 कर सकते हो। अरे बाप रे, यहाँ पे तो तीन एरर्स आ रहे हैं, देखते क्या है। तो बता रहा है कि डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर, ओके ओके। फिर बाद में ए अनडिफाइंड सिंबल बी अनडिफाइंड सिंबल, ओके। देखा आपने कैसे गलत हुआ, यहाँ पे एरर दिखाया ना, क्योंकि आपने इधर क्या लिया था, एक्स लिया है, तो आप किस हक से इधर ये ले रहे हो, एक्स ए ले रहे हो, इसके लिए ये एक्स और ये वाई ही लेना पड़ेगा, जो इधर डिक्लेयर किया रहेगा वही इधर आपको लेना पड़ेगा। अभी देखते हैं फिर से वही बता रहा है, ओके। अभी क्या बता रहा है, डिक्लेरेशन इज नॉट अलाउड हियर। सबसे पहला तो हम लोग क्या करेंगे, ये वाला जो है वो इसको एक इसको डिलीट कर देते हैं फिलहाल, ओके। तो अभी फिलहाल पहला वाला देखते हैं हम लोग, ओके। तो अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ है, ये x और y है और इधर x और y लिया, फिर भी क्या बता रहा है एरर, वो अनडिफाइंड सिंबल ए एंड बी किधर दिखा रहा है, इधर। तो देखो यहाँ पे a और b लिया है क्या हम लोगों ने, नहीं ना, तो x लिया है यहाँ पे और यहाँ पे y लिया, तो वही लेना पड़ेगा ना अपने को। तो अभी हम लोग सेव करेंगे F2 प्रेस करके, फिर देखो पूरा आपका जीरो हो गया ये, ठीक है। अभी रही बात उसकी क्लियर स्क्रीन की, ओके एंटर, ओके। जाहिर सी बात है आप सी का कर रहे हो, तो देखो अभी ये किया, देखो इधर आपको क्या दिखा रहा है, पहले से नंबर ये यहाँ पे स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे, ओके। तो एंटर द टू नंबर्स, ओके। तो 12 लिया मैंने, फिर 23 लिया। अभी क्या करूँगा मैं, इसको आउटपुट लूँगा, ओके। आउटपुट में कितना है, अभी सबसे पहला तो ये ध्यान में रखो, ऑल्ट F9 होता है कंपाइल से, फिर आपको रन भी करना पड़ता है, ओके। रन करोगे कंट्रोल F9 से, ओके। फिर से रन कर दिया मैं, चलो तो आपको बताने के लिए 12 + 23, ओके। शायद से इसका कितना आना चाहिए, 35 आना चाहिए आउटपुट, बराबर। तो अभी क्या करते हैं हम लोग, इसको रन आउटपुट देखते हैं ऑल्ट F5 करके। तो देखो इसमें, अरे बाप रे, इसमें तो आउटपुट ही नहीं आ रहा है। अभी देखते हैं क्या गड़बड़ है, फिर से देखते हैं, ओके। यहाँ पे देखो आउटपुट के लिए ये प्रिंट है, अपना आउटपुट है, तो यहाँ पे ले रहा हूँ मैं बेसिकली द एडिशन ऑफ टू नंबर इज, अरे बाप रे, इज के बाद क्या, मैंने लिया ही नहीं है, ओके। तो इसके लिए मिस्टेक्स करेंगे ना अपन, तभी मिस्टेक्स से ही सीखेंगे हम लोग, ओके। तो अभी इसमें देखो ये एरर आया था, तो मैंने क्या किया इधर, मैंने एक मिस्टेक किया इधर, आउटपुट ने, इसमें एरर नहीं है कुछ, बट इसमें लॉजिकल एरर है कि आपको आउटपुट नहीं दिखाएगा, तो उसके लिए आपने को कैरेक्टर कन्वर्जन लेना पड़ता है %D करके, ओके। %D लोगे तभी ये %D का आउटपुट इसमें मैप होगा और आपको दिखेगा। चलो अभी फिर से ऑल्ट F9 करते हैं, ओके। और फिर ये किया, फिर से एंटर करेंगे। देखो अगर क्लियर स्क्रीन लिया होता ना, तो ऊपर का जो है ना वो पूरा गायब रहता था, अभी तो नहीं लिया हम लोगों ने। तो 23 और ये 34, तो कितना आना चाहिए, 3 + 4 = 7 और ये 57 होना चाहिए। देखते हैं अभी आउटपुट ऑल्ट F5 करके। तो देखो अभी आ गया 57 एरर, सॉरी आउटपुट, ओके। तो ऐसा है ये, इसको एडिशन और ये करना है, ओके। तो अभी देखो ये किया हमने, ओके। तो ऐसा आप कर सकते हो इसमें बेसिकली, जो भी प्रोग्राम्स वगैरह है, तो आपको ये सीखा था बेसिक प्रोग्राम, ओके। तो आप इसमें भी कर सकते हो, C++ वगैरह में ही कर सकते हो। C++ में आपको IO Stream लेना पड़ेगा, ठीक है, वो बाद में बताऊंगा C++ का।
बट ये सी का जो प्रोग्राम था ओके okay, तो मैं वही बोलूँगा आप देखिए इसको समझिए अच्छे से, कुछ भी डाउट्स रहेगा मुझे कमेंट बॉक्स में नीचे कमेंट करिए, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए ताकि आपके फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करके सब्सक्राइब करने को बोलिए उनको भी, आपको भी, आप भी करिए, ताकि मैं और जो भी वीडियोज़ है पूरा प्रोग्रामिंग के पूरे 30 से 40 प्रोग्राम में डालने वाला हूँ शायद से, जो भी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल के इसके डालने वाला हूँ, जावा का भी डालने वाला हूँ, तो इसके लिए आप ये करके करिए ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।